हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर एक्स्ट्रा वॉल्यूम कुछ इस तरह का क्रिएट करके रखे हैं, अपने ड्राइव को पार्टीशियन करके रखे हुए हैं इस तरह से, और इनका यूज़ नहीं है, तो यदि आप इसे फिर से एक्सटेंड करना चाहते हैं वापस, तो आप वो सब कैसे कर सकते हैं, आज इस वीडियो में आप सीखेंगे। तो चलिए आज का यह इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको दिस पीसी या फिर माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद मैनेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मैनेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया विंडो खुल के आएगा। अब यहाँ पर आपको डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, एक नया पेज ओपन होगा, एक नया इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ड्राइव है, ओ ड्राइव है, एफ ई डी, ये सारे ड्राइव हैं। इनमें से मैं ये जो ई ड्राइव है, इसमें से मैं क्रिएट किया हूँ ओ ड्राइव को, मतलब इसमें से मैं पार्टीशन किया हूँ, ई ड्राइव का पार्टीशन करके ओ ड्राइव को क्रिएट किया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई ड्राइव से ही मैं ओ को पार्टीशन किया हूँ। अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। इसमें मैंने कोई भी डाटा स्टोर करके नहीं रखा है, अब इसका कोई यूज़ नहीं है, तो मैं ये वाला वॉल्यूम को डिलीट करूँगा। और डिलीट करूँगा तो ये वाला वॉल्यूम जो है, मतलब ये वाला जो स्पेस है 9.77 GB, वो यहाँ पर स्टोर होगा, मतलब यहाँ पर ऐड हो जाएगा, एक्सटेंड होगा, यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला जो वॉल्यूम है वो ई से क्रिएट हुआ है, मतलब इससे ये बना है। तो ये जो मिलेगा वो सिर्फ इसी में मिल सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे अभी इस पर, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे, डिलीट वॉल्यूम का ऑप्शन मिलेगा, आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद यहाँ पर एस पर क्लिक करना है। जैसे आप यस करते हैं, यहाँ पर देखिए फ्री स्पेस यहाँ पर हो गया है 9.77 GB का। अब यहाँ पर आपको इस पर राइट क्लिक करना है। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे, आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एक्सटेंड वॉल्यूम का। जबकि आप यही काम यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर अगर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्सटेंड वॉल्यूम का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाला जो फाइल है, इस पार्टीशन को फ्री किया है, ये वाला वॉल्यूम इससे क्रिएट हुआ था, इसलिए यहाँ पर हमको ऑप्शन मिल रहा है एक्सटेंड वॉल्यूम का, और यहाँ पर हमको यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी में मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद एक्सटेंड वॉल्यूम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक्सटेंड वॉल्यूम के बाद आप यहां पर देख सकते हैं एक मैसेज आया है, वेलकम टू द एक्सटेंड वॉल्यूम विजार्ड। अब यहां पर एक्सटेंड करने के लिए बोल रहा है, तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक बार और नेक्स्ट करेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं डिस्क सेलेक्टेड है, जो कि 10,000 MB का जो फाइल साइज वाला है, 9.77 GB वाला फाइल है, वो एक्सटेंड होने वाला है अब। तो उसके लिए हमको फिनिश के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिनिश जैसे ही आप करेंगे, वो वाला जो वॉल्यूम था एक्स्ट्रा, जो ओ नाम से था, वो वाला क्या हो गया, ई में एक्सटेंड हो गया है। अब न्यू वॉल्यूम ई यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया, इसका साइज यहाँ पर आप देख सकते हैं 256 के आसपास कुछ था, अब 267 के आसपास इसका जो साइज है वो हो गया है। उम्मीद है कि आप भी इसी तरह अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर वॉल्यूम, अगर एक्स्ट्रा वॉल्यूम क्रिएट कर रखे हैं, तो उसको एक्सटेंड कर पाएंगे। दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आज आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए। वीडियो पूरा लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।